गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैपेसिटर में आज हम एक्सप्रेशन ऑब्टेन करेंगे फॉर द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। हमने कैपेसिटर स्टडी किया हुआ है, उसका कैपेसिटेंस हमें मालूम है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स एंड पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। उसी कैपेसिटर को जब हम चार्ज करते हैं किसी भी सोर्स से कनेक्ट करके, तो उसमें एनर्जी स्टोर्ड होती है, उसी एनर्जी का यूज कैपेसिटर करता है। तो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर के लिए हम एक्सप्रेशन ऑब्टेन करेंगे। सपोज हमारे पास कोई कैपेसिटर है हुज कैपेसिटेंस इज सी, चार्ज इज क्यू एंड माइनस क्यू। ये टोटल चार्ज है, फाइनल चार्ज है कैपेसिटर की प्लेट्स पर। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसमें पॉजिटिव चार्ज से प्लेट से नेगेटिव प्लेट की डायरेक्शन में। इसको हम ऐसे कंसीडर कर सकते हैं जैसे कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट पर है चार्ज क्यू और नेगेटिव प्लेट पर है चार्ज माइनस क्यू। तो इस प्रोसेस को हम ऐसे कंसीडर कर सकते हैं जैसे हमने नेगेटिव प्लेट से चार्ज को ट्रांसफ़र किया है पॉजिटिव प्लेट पर अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। कि पॉजिटिव प्लेट पे हम चार्ज ले गए नेगेटिव वाली प्लेट से, तो पॉजिटिव वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और नेगेटिव वाली में से चार्ज गया है इसलिए उस पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट में चार्ज को ट्रांसफ़र करने के अगेंस्ट हमें जो वर्क डन करना पड़ेगा, दैट वर्क डन इज स्टोर्ड एज एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इन द कैपेसिटर। तो सेकंड फिगर में हमें शो किया है किसी भी टाइम पे सपोज कैपेसिटर की प्लेट्स पर क्यू प्राइम चार्ज है किसी टाइम पे जब हम इसमें चार्ज को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। पॉजिटिव प्लेट पे क्यू प्राइम, नेगेटिव पे माइनस क्यू प्राइम। तो स्मॉल अमाउंट का चार्ज हम डी क्यू प्राइम ट्रांसफ़र करते हैं नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट में। जब कैपेसिटर की प्लेट्स पे चार्ज क्यू प्राइम है उस टाइम पे पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स हो जाएगी वी प्राइम इज इक्वल्स टू क्यू प्राइम अपॉन सी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट डी क्यू प्राइम चार्ज को ट्रांसफ़र करने में अमाउंट ऑफ वर्क डन हो जाएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू चार्ज इनटू पोटेंशियल, पोटेंशियल वी प्राइम और चार्ज हमने ट्रांसफ़र किया है डी क्यू प्राइम, स्मॉल अमाउंट का चार्ज ट्रांसफ़र किया है नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट में। तो वी प्राइम की वैल्यू पुट करें इसमें क्यू प्राइम अपॉन सी डी क्यू प्राइम, ये वर्क डन है स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज को ट्रांसफ़र करने का। अगर हमें कैपेसिटर पे टोटल चार्ज जीरो से क्यू तक ऑब्टेन करना है तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन आ जाएगा इंटीग्रेशन जीरो टू क्यू डी डब्ल्यू। तो जीरो टू क्यू डी डब्ल्यू की वैल्यू पुट करो क्यू प्राइम अपॉन सी डी क्यू प्राइम। एक्स डी एक्स से इसका इंटीग्रेशन अगर हम कर दें तो इंटीग्रेशन करने के बाद आ जाएगा W इज इक्वल्स टू क्यू प्राइम का स्क्वायर अपॉन टू सी, लिमिट जीरो से क्यू। क्यू प्राइम की जगह पे अगर हम क्यू की वैल्यू पुट करें तो टोटल वर्क डन या एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर आ गई क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। ये चार्ज और कैपेसिटेंस के फॉर्म में, इसी को हम कैपेसिटेंस और पोटेंशियल में लिखें तो हाफ सी वी स्क्वायर हो जाएगी और चार्ज और पोटेंशियल में लिखें तो हाफ क्यू वी हो जाएगी। ये तीनों ही एक्सप्रेशन हमें एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर के लिए फॉर्मूला प्रोवाइड कराएंगे। सीरीज में अप्लाई करना है तो क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी, क्योंकि चार्ज सेम रहना है। पैरेलल में अप्लाई करना है तो हाफ सी वी स्क्वायर वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं हम। तो कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में स्टोर होती है, और कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर्ड है दैट इज़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज। चार्ज की वजह से उसमें इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है
और एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसे अगर सपोज हमारे पास तीन कैपेसिटर्स हैं, तीनों कैपेसिटर्स की एनर्जी है U1, U2 एंड U3। तीन कैपेसिटर हैं हमारे पास, उनकी एनर्जी है U1, U2 और U3। तो उन कैपेसिटर्स को, तीनों को, चाहे हम सीरीज में कनेक्ट करें या पैरेलल में कनेक्ट करें, टोटल एनर्जी हमेशा सभी कैपेसिटर्स की एनर्जी के सम की इक्वल आएगी। तो एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन।